दीदी छिटको भावनी पापी मैं तानु क्या से बाहर ही मिलन तुसी अंदर क्यों आ गए सुनत दीदी मैं की कर दी तुसी दस्या सी कि छुटकू की हालत बहुत खराब हो रही है मैनू पता है जे भूआ जी ने मैनू इत्थे वेख लिया तो शायद मैनु दोबारा वापस जान भी नहीं देंगे पर तुसी कह रहे सी कि उहदी हालत बहुत खराब हो रही है ते बार बार सिर्फ मैनू ही बुला रही है हाँ भाभी ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सी बार बार कह रही सी मेरी माँ नू बुलाओ मेरी माँ नू बुलाओ मैं तो एकदम डर गई सी फिर जो तो ये बिल्कुल थक टुट के सो गई तो मैं सोचा कि मैं तो डॉक्टर नू कॉल कर देनी है ताजो जे कोई इंजेक्शन या दवाई वगैरह देनी होगी तो मैं दस देंगे या फिर उथे आके इन चेक कर लेंगे भाभी छड़ो पर इस यात्रा ते जान ली देखो ना छुटकू नू किन्नी लोड़ है थोड़ी इन्ने साल थोड़े तो दूर रही है पता नहीं इन्हें थोड़े तो दूर है कि कुछ से है इस करके हूं थोनू एक मिनट भी अपने को दूर नहीं कर सकती मैनू पता है दीदी है यात्रा मेरे लिए आसान नहीं होगी ते ना ही छुटकू ली पर जे माता रानी मेरी यह परीक्षा लै रही है ते छुटकू दी भी परीक्षा लै रही है ता सानू खुशी खुशी यह परीक्षा देनी चाहिदी है क्योंकि जब भी माता रानी सादी परीक्षा लैंदी है ना तो उहदा आही मतलब हुंदा कि सानू किसे वड्डे संकट का सामना करन लई तैयार कर रही है मैं छुटकू नू भी आही सिखाया ते अपनी मन्नत नू भी आही सिखावांगी हाँ भाभी मैं मानती हूँ पर मेनू ना बड़ी घबराहट हुई जाती है करण वीरे नू ता बिल्कुल भी नहीं पता कि तुसी अपनी धी नू बचाण खातर इन्नी मुश्किलां विचों गुजर रहे हो नाले ओ साध्वी ने भी कहा सी कि ज्यादातर लोग उत्थे पहुंच नहीं पांदे ते राह विच ही हां जी दी रस्ते विच घर ही दम तोड़ दिंदे ने रस्ता बड़ा लंबा है ते विचकार पहाड़ भी बहुत आणगे ते घने जंगल भी बहुत हैगे ने मैनू तो आ भी नहीं पता कि किन्नियां मुश्किलां दा मैनू उत्थे सामना करना पैना पर मैं अपनी बच्ची लई जावांगी क्योंकि मैनू ओ सब मुसीबतां नहीं दिख रहीआं दीदी जे मैनू कुछ दिख रहा है तां ओ है माता राणी दे पवित्र मंदिर दी मिट्टी ते काले अंबां दीआं जड़ां जिन्हां नाल मेरी धी ने जमा ठीक हो जाना है इसलिए मैं जावांगी दीदी एक होर गल दीदी बड़ी जरूरी गल आ मैं जाता रही हूं अपनी यात्रा ते पर मुड़ के आ पावांगी जां नहीं आ पावांगी आ तां मैनू भी नहीं पता मैं अपनी दोवें बच्चियां नू तुहाडे भरोसे छड़ के जा रही हूं मैं जानती हूं कि जे मेरे तो बाद इन्हां नू कोई प्यार दे सकदा है ना दीदी वो बस तुसी हो वादा करो अज मेरे नाल कि जे मैनू कुछ भी हो गया मेरी यात्रा ते ते अपने नूर वांगू प्यार नाल पालोगे मेरियां बच्चियां नू उन्हां नू इन्ना प्यार देना कि उन्हां नू कदी मेरी याद भी ना आवे कदे भी नहीं देर तो तुर रही हैं पर हुने भी कोई दिखाई नहीं दे रहा ते वो अगे ही न लंघ गए हुन मैनू होर तेज जाना चाहिदा है वीर जी एक कप चाह देना हाँ जी मैम आ लो जी बड़ी मेहरबानी
वीर जी सकेतड़ी विच माता दा जिहड़ा पुराना मंदिर है जिहड़ा जंगल नूं पार करके पैंदा है तुहानूं उहदा रस्ता पता है? मैडम जी उस मंदिर तक पहुंचना बहुत औखा है, मैं कहना तुसीं वापस चले जाओ। वीर जी मेरा उत्थे जाना बहुत जरूरी है, बस तुसीं मैनूं प्लीज उत्थे दा रस्ता दस दिओ। ठीक है, ओ सामने कच्ची सड़क नजर आ रही तुहानूं? हां जी। तुसीं इंज करो उस कच्ची सड़क ते सीधे चलदे जायो ते तुसीं जंगल तक पहुंच जाओगे, पर मेरी मनो कल्ले ना जायो। मैं उस जंगल दे बड़े डरावने किस्से सुने ने ते उस जंगल विच दूर दूर तक कोई नहीं हुंदा। रस्ता चाहे कितना भी औखा क्यों ना होए वीर जी, अपनी औलाद दी जान बचाने दे फर्ज तो एक मां कदे भी पिछे नहीं हट सकती। जाना तो मैनू पैना ही है, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं कोशिश कित्ते बिना तो नहीं रह सकती। क्यों फिर मोना, चाह नाल आ रहा ना गरम गरम पकौड़िया का स्वाद? मेनू ते कला पकौड़िया का ही स्वाद आ रहा, पर तुहानू वेख के लग रहा है मम्मी जी कि तुहानू ना किसी होर ही गल दी खुशी चढ़ी हुई है। ओ बल्ले तेरे, एदा मतलब है कि तू इन्नी नलायक भी नहीं जिन्नी मैं तेनू समझदी हां। आखिर बुझ ही लई तू मेरे अंदर आली खुशी। फिर मेनू भी दस दो कुछ मम्मी जी, मेरा केड़ा हाजमा खराब हो जाना है? ता सुन फिर कुड़िए, इस बार पावनी नूं मैं बड़े वड्डे चक्कर विच पाया है। उहदे कोल मैं एक साधवी नूं भेजिया, पहला ता उहने उहनूं अपना अध्यात्मिक ज्ञान सुनाया ते फिर उहनूं एक इहो जिहा राह विखाया कि जिहदे ते चल के उहदी धी बड़ी छेती ठीक हो जावेगी। एक ता मैनूं तुहाडी समझ नहीं आंदी मम्मी जी, एक पासे तुसीं पावनी नूं इस घरों कढ़ना चाहुंदे हो ते दूजे पासे इहनां साधनियां नूं उहदे कोलों भेज भेज के ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਸੱਚੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਪਨੀ ਵੱਲ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ? ਕਿ ਪਾਵਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਰ ਮੰਨਤ ਵੀ ਆਪਣੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਭਜਾਉਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਏ। ਤਾਂ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਵਨੀ ਕੋਲ ਸਾਧਵੀ ਭੇਜੀ ਏ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀਗਰਨੀ ਏ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਨੀ ਨੂੰ, ਪਾਵਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਦੂਤ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਵਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਥੋਂ ਪਾਵਨੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ। औरत इन्नी सुनसान जगह ते एथे, भैन जी तुसी एथे इन्नी सुनसान जगह ते? इत्ता भैन जी मैं तो इत्थों पुछन लगी सी, तू इत्थे कल्ले की कर रही है? इत्थे कल्ले घूमना ठीक नहीं है, तू जित्थों आई है उत्थे वापिस चली जा। नहीं भैन जी,
मेनू माता रानी दे पुराने मंदिर जाने, मेनू उस मंदिर दी पवित्र मिट्टी चाहीदी है। देखन सा तू शहर बड़ी लगदी है, फिर इन्हां मंदिरां दे चक्करां च किद्दां पैगी? ओ भी इस मंदिर दे जिथे आम बंदा जांदा भी डरदा है, किदी जान बचान ली तू अपनी जान दी बाजी लगा किथे आई है? मेरी धी बहुत ज्यादा बीमार है ते ओदी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही है। माता रानी दी एक भक्तनी ने मैनू दसिया कि मेरी बच्ची दे सिर ते काला साया मंडरा रहा है, ते सिर्फ पवित्र मिट्टी नाल ही मेरी धी ठीक हो सकती है। अच्छा, ते फिर तू ए कर, ए फल रख ला, ए तेरे रस्ते च काम आणगे। ए नींबू ते मिर्ची भी रख ला, ए तेनू रस्ते च बुरियां शक्तियां तो बचाणगे। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ए सब दे किन्ने पैसे हो? नहीं, ए मेरे वल्लों सेवा समझ। माता रानी करे तेरा सफर जल्दी पूरा होवे, तेरी बच्ची दी जान बच जावे, तेरे राह च आन वाली हर बुरी शक्ति नू माता तेनू लड़न दी हिम्मत देवे। बड़ी मेहरबानी जी, मैं माता रानी अगे तुहाडे लई दिलों अरदास करांगी। वो दोनों भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे सी, ये जंगल दा रस्ता था बहुत ही खतरनाक है, ते हर कदम ते होर मुश्किल होंदा जा रहा है, पर मैनू भी छुटकू ले हर परीक्षा पार करनी पड़ेगी। पर मैं करा तो की कर, मेरे छुटकू नू बचाने दा होर कोई रस्ता बचा भी तो नहीं है। मैं एक काम करती हाँ, घर फोन करके छुटकू ते मन्नत दा हाल पूछ लैनी हाँ, मेरी धियां ठीक होन बस। अच्छा, तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। ओहो, अब नेटवर्क आ जाए बस। उठ पावनी, उठ जा, अपनी छटकू नु याद कर, ओनू अपनी ताकत बना, ते अगे वधी जा, उठ जा। मेरा मेरा फोन किथे है? थोड़ा जा जे तू आप नहीं खाएगी ता फिर तू अपनी छोटी भैन खवाएगी छुटकू? बिल्कुल सही कह रहा नूर, एक बड़ी भैन ही हुंदी है जो छोटी भैन सारिया गल्लां सिखांदी है, नाले मां इन्नी वड्डी जिम्मेदारी वड्डी भैन नूं ते दिंदी है ना? मैं अद्धी नहीं, मैं तो सारी जिम्मेदारी लवांगी अपनी छोटी भैन दी। जो कुछ मेरी माँ ते तुसी सिखाए ना मैनू, ओ मैं सारिया चीजा अपनी छोटी भैन मन्नत नू सिखावांगी। वेरी गुड, पर ओदे लिए तेनू थोड़ा तो स्ट्रांग होना पड़ेगा ना, जो तू आप कुछ नहीं खाएंगी ते तो अपनी छोटी भैन का ख्याल किवें रखेंगी? चलो जल्दी फिनिश करो दोनों जाने, मैं भी देख दी अज कौन अपना खाना जल्दी फिनिश कर दे। चलो चलो चलो। इस बार तू ही जीतेगा, वैसे भी जो मेरा छोटा अपराध जीतेगा तब भी तो मैंने खुशी होनी है। जड़ी दूजे नु हसना सिखांदी सी, अज ओदे अपने चेहरे ते उदासी है, इधर ही अपनी माँ ली तरस रही है ते उधर इहदी माँ पता नहीं इहदे लई की सह रही होनी है। आंटी, मेरा सिर पीड़ हो रहा है ते चक्कर भी आ रहे ने। मेहर, चुटकू चुटकू, ऐसा कैसे? अगर तू साबित की करना चाहनी है, मैंने तो लगे से ये डॉल वाला किस्सा हुन खत्म हो चुका है, पर तू तो ये गल और बताई जा रही है। मैं तो हैरान हूँ पावनी, तू किसी अनजान आदमी को लेके घर विच आ गई।
बस एक बारी मैं माता रानी दे मंदिर दी पवित्र मिट्टी लेके आ जा चुटकुले, फिर मैं करण जी नाल गल करके उन्हां नूं सब कुछ समझाउण दी कोशिश करांगी। अपनी पूरी कोशिश करांगी कि साडा रिश्ता पहला वांग हो जावे। हे माता रानी, मैनू हौसला दे रखी। जय मां चिंतपूर्णी, जय मां चिंतपूर्णी। रिस्पोंड ही नहीं कर रही है। उत्तों बीपी भी बहुत डाउन है बच्ची दा, ते नाले फीवर भी बहुत हाई है। I'm sorry to say ma'am, बच्ची बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई अपनी माँ दे लिए, ते शायद उसे करके बेहोश हो गई। बादाम काजू जे सारा कुछ पाया हुआ ना बच्चे पटके? हाँ जी मम्मी जी, सारा कुछ पाता है। पानी जहर ना घोल के दे दिया तेनू पुटिए, हद्दी रात नू भी चैन नहीं लैन दिंदी। आप नू तां हुण बुढ़ापे विच नींद आउंदी नहीं है। मेरी वक्री हराम कीती हुई है, काम करा करा के इस घर दी नू बनन आई सी। इस पुट्टी ने काम वाली बना के रखता है। हाकी बादाम पा दी ना, इस उम्र विच हजम हो जू तेनू, ना इस उम्र विच हजम हो जू तेनू मुटिए। नी केड़े खसम दे सुपने विच खोई हुई है? ध्यान दे इधर, ध्यान नाल हाथ हला, थल्ले ना लग जाए तेरा लगदा है। फटाफट हाथ हलाई जा। पूरी नीत नाल बनाई, माता रानी दे प्रसाद चढ़ाना है। आखर नू साडी जित होई है, ता माता रानी दे पहला प्रसाद चढ़ाना ता बनदा ही है ना। किन्नी सोहनी खुशबू आउण लग पी, हुण होई मेरी तसल्ली। तसल्ली सिर्फ मन नू नी, मेरी ता रूह नू भी मिल रही है। सच्ची किसे नू दर्द देख के जड़ी खुशी मिलदी है ना, स्वाद ही वखरा हुंदा। बुखार बड़ा ज्यादा है, तो ये अपने होश विच भी नहीं है। ठंडे पानी दी पट्टी रखन तो डॉक्टर ने मना किता है। मम्मी चुटकुना तो डॉक्टर वेख गए ने, पर फिर भी वो अपनी अखियां क्यों नहीं खोल रही? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? उन्हें क्या होया मम्मी? हुण की जवाब दिया मैं तेनू नूर पुत्र? मैं तो आप नहीं जानती की हो रहा साड़ी छुटकू नाल। भाभी तेन मेरे भरोसे छड़ के गई, हुण मैं की मुंह दिखावांगी उन्हूं? की हो गया तेन छुटकू पुत्र? उठ भी जाना हुण। हुण तो ही मेहर कर कोई माता रानी, इन्नी छोटे बच्चे दे इन्ने औखे इम्तिहान नाल है। पावनी भाभी तेरे ते बड़ा विश्वास करदी है, इसे लिए तो तेरे पवित्र मंदिर दी मिट्टी लैन खातिर इन्ने औखे रस्ते ते दूर पई। मेरी भाभी दा विश्वास ना तोड़ी जोता वाली है, इस परिवार नू ते इस बच्ची नू अपने साए हेठ रखे माए। मैं अपनी दोवें बच्चियां नू तुहाडे भरोसे छड़ के जा रही हूं। मैं जानती हूं कि जे मेरे तो बाद इन्हां नू कोई प्यार दे सकदा ना दीदी, वो बस तुसी हो। वादा करो अज मेरे नाल कि जे मैनू कुछ भी हो गया मेरी यात्रा ते, ते अपने नूर वांगू प्यार नाल पालोगे मेरियां बच्चियां नू, उन्हां नू इन्ना प्यार देना, इन्ना प्यार देना कि उन्हां नू कदी मेरी याद भी ना आवे। हुण मैं की जवाब देंगी पावनी भाभी नू कि मैं तुहाडी मेहर दा ख्याल नहीं रख पाई? हे माता रानी, कृपा कर, कोई ता रस्ता कढ। आ तेरे हाथ विच क्यों है? कुछ नहीं, हुण घर दे कम्मां विच छोटी मोटी सट्टां ते लगदियां रहिंदियां ना। मैं ना छुटकुले सूजी दा हलवा बना रही सी, ते गर्मा गर्म कड़ाई लग गई। पर कोई नहीं, छुटकु ने हलवा खा के ना खुश हो जाना है, ते ओदी खुशी वेख के मैनू मेरी ये सट वी भुल जानी है। हुण जिन्ना मैं कर सकदी हां उन्ना मैं ओदे लई कर रही हां। करण जी किथे हो? उते थाड़े कमरे विच ही है।
करण पुत तू पैर पे नपुआ जी जोदा रे पुत बड़िया उम्र होई महामाई तेन हमेशा खुश रखी करण पुत्र ले आना पेस्ट ला दे मोना दे हाथ ते इदा हाथ सड़ गया मोना दा पुआ जी मैं ओ पुत्र तेनू पता ता हैगा ऐस वेले ता मेनू उंजी नहीं कुछ दिखाई देंदा तेनू चंगा भला ता पता ले फड़ मेरा पुत्र ला दे दे हाथ ते थैंक यू सो मच मोना मैनू बड़ी खुशी है है वेख के कि तू इस घर लई कितना कुछ कर रही है मैं पता नहीं की कुछ वेख रही हां करण पुत्र कुछ ना पूछ मैनू छोटी ता छोटी पावनी ता अपनी वड्डी धी दी भी सकी नहीं हैगी पता नहीं किहो जी मां है बच्ची दी इस हालत च भी उहनू कल्ली नू छड्ड गई उह भी किसे साधनी दीआं गल्लां विच आके इनू हुण करण पुत्र मैं भगती समझा या पखंड असली भगती ता दूजियां दी सेवा करन विच हुंदी है ते ओ सेवा पुत्र मोना कर रही है सच्ची पुत्र मोना सारयां दा बहुत ख्याल रख रही है मैनू कदी कदी ना करण पुत्र ऐ लगदा है जिवें मोना ना इस घर दी नूंह है पावनी नहीं मैनू ता मोना वर्गी ही नूंह चाहीदी सी बड़ी किस्मत वाली है भगतनी है जिन्हें इस बच्ची नू अपने कुख तो जन्म दिता है ए जाल तेरी खुशियां खोन दे ले तेरे राह विच बिछाया गया सीगा पर तेरी धी ने अगे होके तेनू बचा लिया है बुखार तो वधी जा रहे हैं। I'm sorry, Mrs. Khurana. Please panic ना करियो। बच्ची दी तबीयत थोड़ी बिगड़ती जा रही है। उदा बुखार वधदा जा रहा है। जे अगले आने वाले दो तीन दिनों विच स्टीरॉइड्स दे नाल भी जे बच्ची दी सेहत ठीक ना हुई तो उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पै सकता है। And I'm sorry, बच्ची कोमा विच भी जा सकती है। मैं जाता रही अपनी यात्रा ते पर मुड़ के आ पावांगी जा नहीं आ पावांगी आता मेनू भी नहीं पता मैं अपनी दोवें बच्चियां तुहाडे भरोसे छड़ के जा रही हूं मैं जानती हूं कि जे मेरे तो बाद इन्हां नू कोई प्यार दे सकदा है ना दीदी वो बस तुसी हो तुहानू रब दा वास्ता मैनू जा लैण दिओ मेरा जाना बहुत जरूरी है मैनू जान दिओ उल्क टका बलीचा पटक कट नगर परसू कटक टापू मनसुख भले मनसुख भले हे महामाई मेरी मदद करो मैनू बचा लिया हे माता रानी एक बारी मैं छुटकू ली तुहाडे मंदिर दी पवित्र मिट्टी लेके मुड़े आवां फिर भावे मेरी जान भी चली जाए मैनू मंजूर है पर हुण इस वेले तुहानू मेरी रक्षा करनी पैणी है महामाई
तुहानू मैनू बचाना पैना। देखो ये थानू कुछ कह नहीं आए, थानू इना तो कोई खतरा नहीं है, मैं तो बस इथो लंघ ही रहे सी। शाम शाम दुखी दुखी मस्तक वाले। साडी भाषा नहीं समझते, तुसी इथों भज जाओ, भज जाओ, नहीं तो इन्हां ने तुहानू भी नहीं छड़ना, छेती जाओ। नहीं, मैनू माता नैना देवी जी ने थोड़ी रक्षा लई भेजिया, मैं थोनू इकले छड के नहीं जा सकती। माता रानी उन्हां भक्तां नूं जिम्मेवारी सौंपदे ने जिन्हां ते उन्हां नूं विश्वास होए, ते मैं इन्हां तों डर के माता रानी दा विश्वास किवें तोड़दा। नहीं, मैं थोनू अपने नाल इथों लै के ही जावांगी। पर तुसी करोगे की? जिवें प्यार दी कोई भाषा नहीं हुंदी ना, उसे तरह भक्ति दी भी कोई भाषा नहीं हुंदी। मैं माता नैना देवी जी दी भक्ति दी शक्ति दे नाल इन्हां नूं समझाण दी कोशिश करांगी। जय मां नैना देवी, 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 जय मातम, जय मातम, जय मातम, जय मातम। मैनू लगता है ये भी माता रानी के भगत ने। बोल बोल के ना गला सूख गया मेरा, कोसा पानी लिया के देखो। आलो मम्मी जी, कोसा ही है, पी लो। निया तू किधर दी तैयारी कसी जानी है, हुन तक करण पुत्र भी घरे आया है, ते उतो पावनी नहीं इस घर च जेडी तेनू रोका टोकी करूगी। बड़ा चंगा मौका है करण दे नेड़े जान दा। ए मौका नहीं हैगा मम्मी जी, ए आप मूरे होके बली दा बकरा बनना है। इना सोना मौका सी, पर तुसी ते आज कोई होर ही सुर फड़े हुए सी, ने आप नू भी पंगे विच पा लिया, ते मेनू भी। ये तू की बोली जानी है, खुल के दस मेनू की कहना चाहनी है। इना कुछ सुनाता तुसी आज करण जी नू पावनी दे खिलाफ, इनिया गल्ला हजम नहीं होनिया उना नू, हो ता पहले ही परे पे सी, हुन नहीं छड़ दे ओ, किसे वेले भी सानू ना करो निकल जान दा हुक्म दे सकदे ने, हुन तुहाडे वर्गी मोटी चमड़ी ते है नहीं उहदी, ठंड बर्दाश्त नहीं हुंदी मेरे कोलो, इसे करके गर्म कपड़े पैक कर रही है बैग विच। मैं ता कहनी हां कि तुसी भी ना अपनी पैकिंग पुकिंग कर ही लो, जे करण जी ने हिस्से वेले सानू घरों निकल जान लिए कह दिता, ते किते रैन बसेरे विच रात कटन जोगे तो होवांगे। तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है तू। मेरा करण पुत्र अजिहा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बड़ी चंगी तरह जानती हां उनू, इना हत्था नाल परवरिश कीती है मैं उहदी। बल्कि सुन, हुण ता बैठ के तमाशा वेखण दा टाइम आया है, ते देख। ते होर दसा, मस्या दी रात बड़ी लंबी हुंदी है ते डरावनी, पावनी ते ए रात अंतों भारी है, ओदे ते कहर ते साडे ते मेहर। मम्मी, मेरा पढ़ाई विच मन नहीं लग रहा, मेरे दिमाग विच बार बार छुटको आई जांदी है। मां, तेरे टीचर दा फोन आया सी मैनू, उन्होंने मैनू दसिया कि तेरे डिक्टेशन विचो बड़े घट नंबर आए ने, ते छुटको बारे ना सोच, अजे उन्हें ठीक हो जाना है, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई वाल ध्यान दे, ठीक है? मम्मी, मैं माता रानी को अरदास करन जा रही हूँ, की पता वो मेरी गाल सुन लें, ते वो छेती तो छेती छुटकनू ठीक कर दें। जब सुपरमॉम दुखी होंदे सी, ता फिर वो माता रानी को अरदास करन जांदे सी। तेनु मंदिर जान दी कोई लोड़ नहीं है पुत्र, माँ चिंतपुर्णी है ना, वो बच्चा दी करे बैठे अरदास सुन लेंदी है,
तू इत्थे बैठ के अरदास कर ले। माता रानी ने तेरी सुन भी लेनी है ते छुटको जल्दी ठीक भी हो जानी है, ठीक है? हाँ मैनु याद है एक बारी छुटको ने मैनु 4 बजे जगाया सी ते कह रही सी ये अमृत वेला है, जापा अमृत वेले विच कुछ माता रानी को अरदास कर दिया तो माता रानी सानू पक्का दंदी है। दिंदी है मेरे पुत्र, जरूर दिंदी है। ठीक है मम्मी, मैं सो जाना, फिर तुसी मेनू अमृत वेले जगा दो, फिर मैं अपने घर दे मंदिर विच जाके चुटकुली अरदास करांगा। पक्का जगावांगी पुत्र, पक्का जगावांगी।